अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इससे हम फूड कोर्ट पे हैं और आए हुए हैं शिनेंगा मार्केट, जो मैंने आपको बताया था पहले कि हम आज जाएंगे। ये होल सेल मार्केट और वाकई में बहुत ज़बरदस्त और होल सेल चीज़ें मिल रही हैं। और अभी मैंने जो है अपने लिए एक बहुत ज़बरदस्ती ब्रांडेड एलवी ब्रांड की जो है यहाँ पे कॉपीज़ हैं, जाहिर सी बात है ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। शूज़ ख़रीदे हैं अपने और साथ ही बैग वगैरह, कॉस्मेटिक्स सब बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो अभी जो है बस हम थोड़ा बिजी थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम इसका 6:30 है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पहुँचे हैं 4:30 पे, तो 2 घंटे बस हमारे पास हैं। तो बच्चे बहुत अभी तंग कर रहे थे, उनको भूख लग रही थी, तो हम खाना खाने के लिए यहाँ बैठ गए। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा मॉल भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये लोकल मार्केट है, बहुत हाई फाई मॉल नहीं है, लोकल मार्केट है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्राइजेज हैं। मीन 5 शर्ट्स इन 60 रिंगेट्स बच्चों की, बहुत ज़बरदस्त जो है ना प्राइजेस मुझे यहाँ पे लगे। तो इंशाल्लाह जो भी शॉपिंग करूँगी वो भी आपको पाकिस्तान जाके ज़रूर दिखाऊँगी। कौन सा बनवा के लेके आए हैं आप इतना बिग जंबो साइज ड्रिंक? अच्छा है। तो ये इस तरह का मॉल है, यहाँ पे बहुत ऑफर्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल प्राइजेज हैं यहाँ पे। कैनिंगन मॉल है इसका, मैं बाहर से भी आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। और हम भी आज जो है वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि हम भी थोड़ी यहीं से शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी प्राइजेस में जो है ना चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये लेडीज़ शर्ट्स भी 15 रिंगेट, 15-20 इस तरह से हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत महंगाई है, ये बहुत अच्छे यहाँ पे जो है ना प्राइजेज हैं इस तरह से, 15 रिंगेट, 10 रिंगेट इस तरह से यहाँ चीज़ें मिल रही हैं। बहुत अच्छे हैं यहाँ पर 50 रिंगेट, 30-20 इस रेंज में आपको यहाँ पे अच्छे बैग्स मिल जाएंगे। टोट बैग्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की कॉपीज़ हैं, लेकिन फर्स्ट कॉपीज़ हैं सारी। पे ये देखें 10 रिंगेट्स में जो हैं ये सारे शूज़ हैं, साथ ऊपर 20 में 15 में भी ये सब अवेलेबल है। और यहीं से मैंने अपने लिए भी लिए, ये देखो पहन के देखो, फॉर लेडीज आल्सो 15। अलीना देखो मेरे को ये सही आ रही है और इसका साइज भी सही है, मुझे समझ आ रही है। ले लो, अच्छी है। ये भी 15 में अवेलेबल है सारी। ये 50 के हैं। सैंडल्स वगैरह कपड़े, तो बहुत अच्छा इकनॉमिकल चीप प्राइजेस जो है ना शॉपिंग यहाँ से की जा सकती है। कैनिंगन मॉल है, ये होल सेल मॉल है। अगर आप ज़्यादा पीसेस बाय करेंगे तो उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट है, लाइक 5 पीसेस पे 6 पीसेस पे उस पर तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट जो है ना आपको मिल जाएगा। यहाँ मलेशिया में मैं यही एक बात नोट कर रही थी कि यहाँ की मलेशियन लेडीज़ जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। यहाँ ज़्यादातर अगर आप शॉप्स पे भी देखें, सेल्स पर्सन जो हैं ज़्यादातर लेडीज़ हैं, तो दे आर वेयरिंग ही आप लोग किस तरह से हिजाब वो लोग वेयर की हुई होती हैं, फुली जो है फुल स्लीव्स के ड्रेसेस वेयर किए हुए होते हैं। मुस्लिम जो हैं इस तरह की सेल्स गर्ल्स जो हैं वो सेल कर रही हैं, बहुत ही अच्छा जो है। ओहो, एक और टॉय ले लिया आपने, वाह भाई, बच्चे टॉय पे टॉय ले रहे हैं। शाहजहन ने ये एक टॉय लिया हुआ है, एक टॉय अंदर। वाओ शाहजहन, शो मी योर कार शाहजहन, वाओ वेरी गुड। एंड मुस्तफा, बच्चों के मजे आ गए अपने अपने शूज जो लिए है वो देखें, दोनों ने पहन भी ली, बहुत अच्छी कंफर्टेबल जो है ना ये फुटवेयर जो है। मॉल भी क्लोज हो गया है
और हम जो है अपना ग्रैब टैक्सी का वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का जो भी प्लान होता है आप लोगों को दिखाते हैं। नाइट लाइव आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं मलेशिया कुआलालंपुर की, कि यहाँ पे जो है काफ़ी लेट आठ तक भी लोग जो है स्ट्रीट्स पे होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, डिनर देखो हम क्या करते हैं आज जी। ये स्ट्रीट है जिसको देख के लोग कहते हैं कि ये कुआलालंपुर है या है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क। रात को भी आपको दिखा रही हूँ, दिन में भी यहाँ की वीडियो मैंने बनाई भी थी। ये चेक करें, लुक एट द क्राउड। अभी हम वेट कर रहे हैं सिग्नल ओपन होने का। मेरे इतने किलो गाड़ी पुरानी देख ली, क्योंकि बच्चों को यही खाना है। यहाँ का मैकडॉनल्ड वाकई बहुत अच्छा है, टेस्टी, इकोनॉमिकल। तो यहाँ सेल्फ ऑर्डर जो है ना उसके लिए सब क्यों में लगे हुए, और बारिश ने जो है ना हर चीज़ में चार चांद लगाए हुए। बहुत अच्छी लाइट रेन है, लाइट शावर्स, इससे जो है ना खलल पैदा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ वाली बारिशें होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो यहाँ हम अपना फैमिली टाइम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, ये परफॉर्मेंस भी यहाँ हो रही थी और साथ ही वेदर बहुत अच्छा था। और आज जैसे कि हमारी लास्ट नाइट है मलेशिया में, कल इंशाल्लाह हमें जो है 7 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, हमारी 9:30 की फ़्लाइट है। तो कल डे एक्टिविटी का टाइम है, किसी ने हमें बताया कि हमारे होटल के पास जो है एक इंडोर थीम पार्क है, तो बच्चों को वहाँ ले जाएंगे क्योंकि हम स्पेशली आए ही बच्चों के लिए हैं, और जाते जाते भी चलो बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लें। तो यहाँ मलेशिया में फ्राइडे से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, और आज फ्राइडे है, और आप देख लें कितनी रौनक माशाल्लाह हो रही है। कोविड के बाद यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने बताया कि पहला साल है जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कल का बस लास्ट व्लॉग होगा हमारा मलेशिया से, बाकी इंशाल्लाह फिर कराची जाके अपने व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।